आदाब दोस्तों, मैं तनवीर आलम। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। रामनगर पश्चिमी चंपारण के शहीद भगत सिंह चौक पर भगत सिंह स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा फूल माला पहनाकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें अतिथि के तौर पर आए हुए रामनगर के थाना प्रभारी अभिनंदन कुमार सिंह जी, सदाकंद शुक्ला जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, गौतम प्रसाद राय जो प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष हैं और उनके साथी चिंतामणि तिवारी जी जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अलाउद्दीन जी और उनके साथियों द्वारा इन सब ने मिलकर शहीद भगत सिंह को याद किया। आज के दिन जो 23 मार्च शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीदों को याद किया जाता है। तो कारण जो भी हो, प्रक्रिया में लाकर इस काम को कर देना चाहिए। अगर राजनीति के द्वारा अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद बन रहा है, कोई कहे ये गुरुद्वारा बन रहा है, कोई कहे ये मंदिर बन रहा है, तो राजनीति में न आकर समाज के जो सही नागरिक है, समाज सही है, उनको इस पर पहल करके खास बंदी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका एक रूप दे देना चाहिए। श्री गौतम राव जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और पूरे रामनगर के गुरु, हमारे बहुत ही प्रिय सदाकांत शुक्ल जी, प्रभुनाथ कुशवाहा जी, हमारे रामनगर के जावास थाना प्रभारी श्री अभिनंदन कुमार सिंह जी, सुनील अग्रवाल जी, नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद पति श्री भाई अरमान खान जी, भगत सिंह स्मारक समिति के कोषाध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, भारत सिंह स्मारक समिति के सचिव श्रीलाल बाबू पटेल जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री चिंतामणि तिवारी जी, अलाउद्दीन राय जी, प्रदीप अग्रवाल जी एवं यहां उपस्थित सारे हमारे भगत सिंह के प्रति प्रेम रखने वाले श्रोता बंधु, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी छोटे बड़े दुकानदार भाइयों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत अल्प अवस्था में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और फांसी पर चढ़ने के बाद भी इनके डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े काट करके पेट्रोल छिट के आग लगाने का काम किया गया। ऐसे देख वक्त इसलिए कहा गया है कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन को मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। कटनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करना होगा और तब तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है। वास्तव में आजादी के लिए हमने कुछ नहीं किया, आजादी हमें विरासत में मिली है। कोई करोड़पति बाप का बेटा अगर जन्म लेता है तो उसे संपत्ति विरासत में मिलती है, कोई अपने से संचय करके बनाता है वो सही मायने में उस करोड़पति होने का हकदार है, इसीलिए हमें विरासत में मिली है, इसका हम सम्मान करें और तब ये शान के साथ में जनमन गण अभिनायक का हम गान कर सकेंगे और हम ये बोल सकेंगे कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस पे हो, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।